अगर आप तंग आ चुके हैं अपने ब्रोकर से जो डोमेस्टिक BSES का मीटर होने के बाद भी आपसे चार्ज करता है नॉन डोमेस्टिक मीटर के, मतलब 4 रुपये यूनिट के हिसाब से आपका बिजली का बिल आना चाहिए और आप पे करते हैं 10 रुपये यूनिट या फिर 8 रुपये यूनिट, अगर इन सभी बातों से आप काफ़ी तंग आ चुके हैं तो बस केवल आपसे यही कहना चाहूँगा, फटाफट सिलेक्शन ले लो, अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाओ और ब्रोकर को बोलो गो टू हेल। ये सभी कॉन्फिडेंस पैदा होगा आपकी सही तैयारी से। सही तैयारी तब होगी जब आपके हाथ में होगी एक सही बुक और एक सही गाइडेंस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक जर्नल बुक की जिसका नाम है स्पीडी, रेलवे सामान्य अध्ययन। तो इस बुक का हम छोटा सा कारवा लेके चले थे, ये बुक कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्द अब, और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया, लेकिन एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने की वेट मत करो, वो तो आएगा हवा के झोंके की तरह, लास्ट डेट भी आ जाएगी तुरंत उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ, बस रणनीति जो भी है वो तैयार कर लो, इस युद्ध को आपने जीतना है, करो या मरो की नीति अपनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सेट 49, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा केवल हम वही देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3rd नंबर जो आप देख रहे हैं, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1986 में। देखिए, ये स्पीड पोस्ट के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, आपको पता होगा, और उस एड्रेस पे होता है आपका पिन कोड। तो इस पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो भी आप लिख लीजिए। पिन कोड की शुरुआत हुई थी इससे ठीक, हाँ, 1972 में हुई थी पिन कोड की शुरुआत, राइट। उसके बाद में आपसे पूछता है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1854 में, स्थापना हुई 1854 में, पिन कोड हुआ 1972 में, स्पीड पोस्ट हुआ 1986 में, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर बुक लेके बैठे बैठे हैं आप लोग तो बुक के साइड में ये चीज़ लिख लीजिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, हम बोलते हैं ना UIDAI परियोजना, जो आधार कार्ड है, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका आप मुझे आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। लो जी, पहले सवाल पे ही पहला क्वेश्चन पूछ डाला, बड़ी नाइंसाफी है। अरे बड़ी नाइंसाफी नहीं है, मिल जाएगा आराम से इसका आंसर, नेट पे सर्च कर लो। विधवा ग्रह की स्थापना प्रोफेसर DK कर्वे ने की थी, और सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किसके माध्यम से पहुंचती है, उसकी विधि को कहते क्या है, उस विधि को बोलते हैं विकिरण विधि। अगला पॉइंट है, प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है, और भारत में कितने पिन जोन हैं, तो ये हैं आपके 8, और ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटेगा हमेशा। सेट 50, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तो जो ये जौनपुर है इसका भाई था जिसका नाम था जौना खां, उसके नाम पर इसी शहर की स्थापना करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना किसने करी थी, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। और एक है आपका रोजगार ब्यूरो, आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं दारुल सका विभाग की स्थापना। इसमें क्या होता है कि रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जैसे अपना नाम लिखवाते होंगे ना अपना, कि जैसे ही आपने 8वीं पास करी आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाया और वहाँ के थ्रू आपको जॉब मिलती है, जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी कॉल आती है कि वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो वो सब वैकेंसी निकलती है। परमानेंट जॉब तो आपको इस कॉम्पिटिशन के माध्यम से मिलेगी, लेकिन टेम्प्रेरी जॉब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से मिल जाती है। अब देखिए, पर डे में कितने फॉर्म भरते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, वो किस किस को कॉल करेंगे, इसलिए कॉल तो खैर नहीं आती है, आती भी होगी मुझे नहीं पता, बट दिल्ली के अकॉर्डिंग तो मुझे तो भी आज तक देखा नहीं कि किसी के पास कॉल आई हो। तो ये सब जो स्थापना करी थी वो करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। और एक चीज और है इसमें कि फिरोज तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ
वहां से उखाड़ करके मंगवा करके दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित भी करे थे। बस मैं फिलहाल इतना ही बढ़ूंगा आगे बेफालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। बट ये भी इम्पोर्टेंट है, फालतू तो खैर नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बताया मैंने आपको। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत और चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, और क्वार्ट्स घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो वो है आपका भूमध्य सागर। देखिए अगर बात करूं सागर, सागर का मतलब जल, और अगर मैं आपसे बात करूं जलमंडल के बारे में, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जो हमारा पूरा जो पृथ्वी पर है कितना परसेंट है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आपसे जल का परसेंटेज पूछ लेता है, तो एग्जाम में आपको 70% भी दे सकता है और 70.8% भी दे सकता है। तो आपको 70.8% एग्जैक्ट वैल्यू अपनी माइंड में याद रखनी है अच्छे से। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा बताइए। चलिए बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, किसी न किसी दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट में हुआ था, और हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगवाया था, और उसको समाप्त किसने करा था? अकबर ने। कब करा था बता रखा है अकबर? पर्सनैलिटी जो भी है इसके बारे में, कौन कौन से दीने इलाही की स्थापना, जजिया कर, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो वो चीज़ आप प्लीज़ एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले याद रखना। चलिए मैं एक बार दोबारा आपको बता ही देता हूँ अकबर के बारे में। जिसको पता है वो मेरे बोलने से पहले मन में एक बार वो वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है? जिसको नहीं पता वो किसी बुक में या किसी नोटबुक में अपने लिख लेंगे कहीं ना कहीं। देखिए अकबर इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट कार्य थे इसके। पहला जो उसने करा था बहुत ही तरीके वाला काम, वो करा था इसने दास प्रथा का अंत। अगर बात करूं कब करा था ये वर्ष, जिसको पता है बोलिए मन में, और मेरे साथ टैली कर लेना कि आप कितने सही हैं कितने गलत। तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति प्रदान की थी 1562 में। जजिया कर समाप्त करा था इसने 1564 में, और इबादत खाने की भी स्थापना इसने करी थी, ये करी थी 1575 में। दीने इलाही की स्थापना 1582 में, और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में, और राजधानी जो इसने लाहौर स्थानांतरित करी थी ये करी थी 1585 में। हाँ जहाँ तक तो मुझे वर्ष याद है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में ही, ये इलाही संवत की शुरुआत के 2 वर्ष बाद ही इसने करा था ये राजधानी लाहौर की स्थापना, वो 1583 में था। 2 वर्ष जोड़ दो तो 1585 हो गया। बस इतने बहुत है फिलहाल इसके लिए, और भी बहुत कुछ है तो आप खुद एक बार लुसेंट की बुक को देख लेना, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा के प्रति प्रथा प्रारंभ की थी, और तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में डिवाइड करा था। दिल्ली में अशोक स्तंभ को सबसे पहले जो पता लगाया था वो लगाया था टी फैंतलर ने, और कब लगाया था? 1750 में। अगला जो पॉइंट है हमारे सामने वो है हमारा स्वर्णकाल। देखिए मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस ये पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक काल में स्थापित हुआ था या बना था? तो उसका नाम है अकबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ होम को कहा जाता है। सेट 52। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग और साहित्य काल का स्वर्ण युग, दोनों में फर्क रखना। अगर बात करेगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो होगा अकबर, और बात करेगा मुगल काल का स्वर्ण काल तो वो होगा आपका शाहजहां, ठीक है? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, और राज्य हड़प नीति का संबंध है आपका लॉर्ड डलहौजी से, मतलब इसने इसकी शुरुआत करी थी। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा था। और देखिए अकबर की जो डेथ हुई थी, मैं शायद बताना भूल गया आपको, अकबर की डेथ कब हुई थी, ये वर्ष आपसे एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है तो आप याद रखिएगा। इसकी डेथ हुई थी 1605 में, ठीक है?
और पिछले वीडियो में जो मैंने आपको हिमायूं के बारे में बताया था, तो वो भी चीज़ आप याद रखना, वो इसमें बुक में नहीं दी है, लेकिन वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि हिमायूं की डेथ कौन से सीढ़ी से गिर के हुई थी। चार युद्ध जो मैंने आपको बताए थे, और हो सके तो वो चार युद्ध अगर आपको अब तक याद हैं तो उन चारों युद्धों के नाम और वर्ष जो मैंने आपको बताए थे वो सभी आप मुझे करेंगे कमेंट। तो दो चीज़ आपके लिए बन गई है, एक तो आपका आधार कार्ड की जो योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, और हिमायूं के द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे चार वो कौन कौन से थे जो मैंने बताए थे। देखते हैं आपको कितना याद रहा। चलिए वर्ष की मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। एक था 1531, एक था 1539, और थर्ड जो वर्ड था उसका वर्ष था आपका 1540, और फोर्थ था आपका 1555। ये तो वर्ष थे, अब आप याद करिए उन युद्ध के नाम क्या थे। थोड़ा डीप क्वेश्चंस है, कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर डालेंगे तो मज़ा आएगा। दिमाग जितना मथेगा उतने जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। हाँ, स्टेन्स हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा थी। सेट 53। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, और दीन खोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ब्रेकडाउन प्लान का संबंध है लॉर्ड बेवेल से। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। उसी समय भारत का वायस राय डफरिन था, ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है, और सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरुप थे। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी, और अकबर ने देखिए जजिया कर का उन्मूलन कब किया था, 1564 में। ये चीज मैं आपको बता चुका था पहले भी, लेकिन हिमायूं के चार वार छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, वो आपसे पूछ के रहूंगा चारों के चारों युद्ध, ठीक है। अगर मैंने आपकी वर्ष की हेल्प कर दी, कौन से वर्ष हुए थे, इतनी बड़ी मैंने आपकी हेल्प कर दी, अब थोड़ा सा आप याद करिए वॉर क्या थे। प्लीज यार मुझे रिप्लाई करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप रिप्लाई करते हैं, मुझे लगता है हाँ एक्टिव बच्चे हैं इस चैनल पर। रिप्लाई नहीं आता फिर आगे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता भाई, रिप्लाई से क्या होगा, रिप्लाई से आपको डर तो कम से कम रहेगा कि हाँ हमें रिप्लाई करना है, अटेंशन के साथ वीडियो देखेंगे कम से कम और रिप्लाई करेंगे उसका, वरना सिंपल वीडियो वॉच करा, डाटा खर्च करा, सो गए, फिर दोबारा उठे नया वीडियो देखा सो गए। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे देख लेना इस बार, तो इसलिए संभल जाओ, सही समय पर अपनी आंखें खोल लो। बात करते हैं महारबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव। सबसे पहले 1819 में होल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। भूस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं कितनी हाइट पर, 36,000 किलोमीटर हाइट पर, ये पूछता है आपसे। अगला, हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट जिसको बोलते हैं नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत राजदूत जो थी वो थी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। राजदूत प्रथम महिला राजदूत याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये तीनों बुक परचेज कर सकते हैं और वीडियो वॉच करने का मूड नहीं है, आपको लगता है कि कितना पढ़ना है, आपको आइडिया है, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें मुझको पढ़नी चाहिए, तो आप तीनों बुक मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्लेलिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो है सब्सक्राइबर नए, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, या फिर जो पुराने भी हैं उनको आइडिया नहीं है कैसे कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले ये बुक या तो परचेज कर लीजिए, हाईलाइट करिए वीडियो देखते समय, वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपको बुक करनी है वॉच साइंस वाली, उसके बाद तीसरी वॉच करनी है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एक प्रैक्टिस सेट है। इन तीनों बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज पास में कोई मार्केट है तो वहां से परचेज कर लीजिए। बस इस तीन बुक्स के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने लूसेंट पढ़ रखी है बुक तो बहुत अच्छी बात है, एक बार उससे पढ़ लीजिएगा बस। एक टारगेट बनाओ, ज़्यादा कोई बड़ी लंबी चौड़ी बुक नहीं है, पहले लूसेंट खत्म कर लो, उसके बाद इन तीनों बुक कर ले लो। अगर टाइम नहीं है बिल्कुल ही आपके पास तो केवल इन तीन बुक पर फोकस कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक का बटन प्रेस कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, भाई किसी और को आप अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करोगे, क्या पता आपका कोई फ्रेंड अच्छा लिंक आपको भेज दे।
ठीक है। और कमेंट करिए दोनों आंसर क्या थे क्या नहीं थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बाजू वाला आइकन, ठीक है। उसके साइड में जो आपको आइकन दिखाई देगा बाजू वाला, बाजू में यहाँ बेल आइकन, उस पर क्लिक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।